बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी। दरअसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं भूपेश बघेल, सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा। भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भूपेश बघेल की पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक। और शिवम प्रताप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, भूपेश बघेल का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस पार्टी में किस तरह उनका कद है, क्योंकि प्रचारकों की सूची में नाम टॉप में उनका रहता है, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी, क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? अब देखिए, निश्चित तौर पर सूत्रों का ये दावा है कि आज सुबह भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे और एलओपी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। सूत्र लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही भूपेश बघेल को राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी दी जा सकती है। उच्च सूत्रों का ये दावा है कि भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाबत बातचीत हुई है, क्योंकि वो पार्टी के एक बड़े ओबीसी चेहरा है। लगातार चाहे भले ही राज्य में पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन उन्हें कई चुनाव प्रभारी बनाया गया था। जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने पहुंचे अमेठी से, तब भी उन्हें वहां पर प्रभारी बनाया गया था। और सूत्र ये लगातार दावा कर रहे हैं कि बाहर के विकल्पों पर पार्टी चर्चा कर रही है कि जो राज्यों के बड़े नेता हैं, और चूंकि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना पिछड़ा वर्ग की बात करते रहे हैं, ऐसे में भूपेश बघेल पार्टी के एक मुफी चेहरा है। सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखेंगे आप, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। डीएमएफ घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा। दरअसल ईडी ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर ठिकानों पर छापे मारे हैं, और चार जगहों पर ईडी के द्वारा दबिश दी गई है, जिसमें 76 लाख रुपए नकद और 35 लाख रुपए खातों में सीज किए गए। डीएमएफ में 25 से 40% कमीशन देने का आरोप लगा। कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। 186 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला है। डीएमएफ में 25 से 40% कमीशन देने का आरोप लगा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, ईडी के छापेमारी में अब तक क्या कुछ तथ्य आए हैं सामने? जी देखिए, ईडी ने महाराष्ट्र सहित छत्तीसगढ़ के चार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी थी, और बकायदा ईडी ने प्रेस रिलीज करके इस पूरे छापे की जो कार्रवाई है उसकी जानकारी दी है। आरोप ये भी लगे हैं इस 168 करोड़ के जो लगभग घोटाले हैं, तो उसमें कुल मिलाकर ये है कि कमीशन लेने के नाम पर 25 से 40% जो कमीशन है वो लिया जाता था। रिटर्न अधिक होने के नाम पर इस तरह की जो वसूली है वो की गई थी, और अब तक जो ईडी की जो जानकारी दी है 76 लाख रुपए नगद और 35 लाख रुपए खातों में जो सीज कराए हैं, वही 76 लाख रुपए नकदी है वो जब्त हुआ है। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की डीएमएफ घोटाले को लेकर के कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। तो चार जगहों पर ईडी ने दबिश दी है, और जिस तरह से हमारे सहयोगी युगल बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई का जो स्थिति डीएमएफ में छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे की रही, और ईडी ने महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कई जगह छापे मारे हैं। चार जगह अब तक बताई जा रही है जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और सुकमा में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक महिला समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। एक नक्सली पर 5 लाख रुपए तक का इनाम था, जिसमें 5 नक्सली अब तक गिरफ्तार किए गए। सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी। एक महिला समेत 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, और इन गिरफ्तार नक्सलियों में एक 5 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। और आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, और ऐसे में बड़ी कामयाबी से सुरक्षा बलों के लिए माना जा रहा है। 5 लाख का इनामी नक्सली इसमें शामिल रहा, और इस कार्रवाई के दौरान 5 नक्सलियों से विस्फोटक तक बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में,
और ये सामग्री इनसे बरामद हुई है। सुकमा से बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता, एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री तक बरामद हुई है और इसमें एक नक्सली जिस पर 5 लाख रुपए का भी इनाम है पकड़ा गया है। बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, सुकमा से बड़ी खबर, 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी का ये मामला जिसमें कि 5 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली भी इन 5 नक्सलियों में शामिल है, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है, और तो और इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। अक्सर प्रेमी हो या फिर महिला का पति, वो किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में महिला का प्रेमी करीब 4 बार एक मूवी देखता है, और इतना ही नहीं महिला का एक्स हस्बैंड भी वही फिल्म देखता है, और फिर वो होता है जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल दृश्यम 3 जो खुलासा कर रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कवर्धा में दृश्यम 3, प्रेमी ने 4 बार देखी एक ही मूवी, एक्स हस्बैंड ने भी सीखा वही तरीका। लव ट्रायंगल की अजीब दास्तां, एक्स हस्बैंड की खौफनाक साजिश, वो एक्स वाइफ के प्रेमी का बना दोस्त, महिला के प्रेमी ने भी दिया साथ। जंगल में कत्ल, डैम में गाड़ी, मोबाइल भी बंद। इस डैम में करीब 20 दिन से एक राज दफन था, उसी राज को यहां निकाला जा रहा है। डैम से एक स्कूटी निकली, इसी डैम में मोबाइल भी फेंका गया था। अब जरा जंगल की तरफ चलते हैं। यहां करीब 20 दिन से एक महिला की गुमशुदगी का राज दफन था। महिला की लाश को इस जंगल में दफनाया गया था। हत्यारे ये दोनों आरोपी हैं। कत्ल हुआ था ग्वालिन साहू का। कत्ल में शामिल इन दोनों आरोपियों के बारे में बताएं, उससे पहले ये सुनिए। एक आरोपी राजा राम ने 4 बार दृश्यम मूवी देखी। कवर्धा के लोहार थाना इलाके के कल्याणपुरा का मामला है। मृतिका ग्वालिन भाई के पिता थाना सहसपुर लोहारा में आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसके बाद लगातार गुम महिला की पता तलाश की जा रही थी। जो जिन पे संदेह था उन संदेहियों का CDR, IPDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि हो सकता है इनके द्वारा या तो जो महिला गुम है उसको कहीं और रखा गया है या हत्या भी कारित की जा सकती है। दूसरे आरोपी लुकेश ने एक बार मूवी देखी। जब दोनों ने मूवी देख ली तो एक प्लान बनाया कि ग्वालिन साहू को ठिकाने लगाना है और सबूत को कैसे छिपाना है ये भी दोनों ने तय किया। 22 जुलाई को ग्वालिन साहू अदालत जाने के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। दरअसल ग्वालिन की हत्या कर दी गई थी। 2 संदेही थे, लुकेश साहू जो कि ग्वालिन बाई का पति है और 3 वर्ष से अलग रह रहा था, और दूसरा उसका प्रेमी राजा राम, दोनों चिमागुंदी के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ किया गया, कड़ी से पूछताछ करने पे दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। ये वो लव ट्रायंगल है, या यूं कहें ऐसी साजिश जिसमें ग्वालिन के प्रेमी राजा राम और उसका एक्स हस्बैंड लुकेश दोनों ने मिलकर ग्वालिन साहू की हत्या की। जो राजा राम है वो बिल्कुल उससे प्रताड़ित था, परेशान चल रहा था। ग्वालिन भाई राजा राम से करीब 1.5 लाख रुपए ले चुकी थी और बार बार कभी भी उसके दुकान पे आती थी। वो मोबाइल का दुकान था राजा राम का, मोबाइल ले जाती थी, कंप्यूटर का सामान कुछ ले जाती थी और परेशान करती रहती थी, जिसके कारण वो उसकी हत्या करना चाहता था। वहीं तो लुकेश उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी, कर्ज में आ चुका था, वो भी परेशान था, इसलिए दोनों ने मिल करके मारने का प्लान बनाया। लुकेश से ग्वालिन का तलाक हो चुका था, गुजारा भत्ता ना देना पड़े इसके लिए ये साजिश रची। इधर प्रेमी राजा राम प्रेमिका ग्वालिन के कैरेक्टर पर शक करता था,
ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर उसकी ही हत्या की साजिश रचे। 19 तारीख को सुबह लुकेश ने फोन किया था राजा राम को, बोला कि आज हम लोग अपने जो हमने प्लान किया है उसको अंजाम दे देते हैं। उसके बाद राजा राम ने फोन किया ग्वालिन को, ग्वालिन आई। उसके बाद दोनों राजा राम और ग्वालिन ग्वालिन के स्कूटी पर बैठ के गए। उसके पीछे पीछे लुकेश भी गया और उस घानीगुटा जो घाट है उसके जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहां जंगल में ही उसके शव को दफना दिया। छुटकारा पाने के लिए कई बार मूवी देखी लेकिन क्लाइमेक्स सबके सामने, सलाखों में कातिल। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मर्डर ऑनलाइन सुनकर ही शायद आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन जी हां, यही हुआ। एक ऑनलाइन मर्डर का मामला आया सामने, जहां ऑनलाइन मर्डर में क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। नकार न बंगला, पति निकला कंगला। बीवी की ख्वाहिश अधूरी, कत्ल की तैयारी पूरी। उसने ऑनलाइन तलाशा कत्ल का तरीका। दस दिन से कत्ल का प्लान। कातिल का फरमान, उसे मरना ही होगा। शादी के 4 महीने बाद बदल गई तस्वीर। यह कातिल एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई। सेहरा सजा, दुल्हनियां घर आई, हम सफर के साथ हनीमून का भी प्लान था। बाहर घूमने फिरने आरोपी ने बीवी से वादा भी किया था, वो उसे कार लेकर देगा। लेकिन न कार न बंगला, पति निकला कंगला। आरोपी के पास न तो नौकरी थी न ही खर्चे के लिए पैसे, तो फिर इसने कत्ल का प्लान बनाया। सुनिए पुलिस की जुबानी, कैसे इंटरनेट पर कत्ल का तरीका खोजा, कैसे मौत देगा, क्या जहर से या फिर चाकू से मार डाली या हांसी के फंदे पर लटका दी। सुनिए मोबाइल हिस्ट्री ने जो राज उगले। इसकी हत्या के लिए जो है पिछले 10 दिन से इसकी जो है प्लानिंग की जा रही थी। जब पूछताछ की गई, विस्तार से जो है तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो ये बात सामने आई कि लगभग 10 दिन से ये हत्या करने के लिए प्लान कर रहा था। और उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री में, यूट्यूब हिस्ट्री में इस तरह के साक्ष्य मिले, जैसे ऑनलाइन चाकू खरीदना, इसके अलावा जो है कीटनाशक का प्रयोग देखना कि किस प्रकार से साइनाइड जो है असर करता है, फांसी देके किस प्रकार से व्यक्ति को मारा जाता है, इस तरह की चीज़ें जो है इनकी यूट्यूब हिस्ट्री में सामने आई। 10 दिन की प्लानिंग कत्ल से पहले की गई, फिर कातिल ने कत्ल कर ही दिया। अब सवाल है, कत्ल किसका हुआ? क्या बीवी से छुटकारा पाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया? तो कत्ल की कहानी कुछ और है। आरोपी ने अपनी नई नवेली दुल्हन को नहीं बल्कि एक बुजुर्ग को मार डाला। ये अमजेरा थाना क्षेत्र में जो है 7 तारीख को एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें 103 BNS का मामला पंजीबद्ध किया गया था और मामला विवेचन में लिया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे ये टीम गठित की गई थी और टीम गठित करके गहनता से जो है इसमें विवेचना की जा रही थी। धार के अमजेरा थाना इलाके में बिजलिया खोदरा में 55 साल के बुजुर्ग हेमराज की हत्या की गई थी। वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ताना और 15 लाख का बीमा, जल्लाद औलाद का कहर, ताना और मर्डर, बीमा की रकम, बागबां का कत्ल, यही है इस कत्ल की पूरी कहानी। आरोपी मुन्ना ने पिता हेमराज की बेरहमी से हत्या कर दी।
जिसे ये ट्रेडिंग का शौक लगा था, जिसने पत्नी से वादा किया था वो उसे रानी बनाकर रखेगा। लेकिन मुन्ना को आए दिन पिता के आगे हाथ फैलाना पड़ता था और उसे इसके बदले में बीवी के सामने जलील होना पड़ता था, जिसके चलते मुन्ना के दिल में इंतकाम जागा। बेसिकली पिता की हत्या के पीछे कारण यह था कि लगभग 4 माह पूर्व जो है इसकी शादी हुई थी, जो आरोपी है इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से जो है इसके पास आय का कोई साधन नहीं था, पिता से पैसे मांगता था जिस पर पिता द्वारा जो है इसको पैसे नहीं दिए जाते थे, पिता द्वारा जो है ताने मारे जाते थे, गली गलौज भी होता था इनका आपस में। पत्नी से इनने कई वादे कर रखे थे कि मैं जो है आगे आने वाले भविष्य में मकान बनवाऊँगा, स्कॉर्पियो खरीदूँगा उसके लिए, लेकिन इनके पास में आरोपी के पास में किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था। तो उस साधनों को जुटाने के लिए और दूसरा कारण जो है उसमें ये भी सामने आया कि आरोपी द्वारा ये बताया गया कि उसकी पत्नी के प्रति जो है उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं था, उसकी नीयत भी ठीक नहीं। 3 दिन में रिश्तों का ये कातिल बेनकाब हो गया। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोपाल के पौश इलाके में विधायकों की बिल्डिंग में लूट की वारदात हुई थी। पिस्टल के दम पर 11 लाख रुपए लूटे गए, आप जानकर दंग रह जाएंगे। जेल में बना था जुर्म का याराना, जिस गैंग के पीछे था एक शातिर दिमाग। विधायकों की बिल्डिंग में लूट, जेल में जुर्म का याराना, अपराधियों के गढ़ में पुलिस की रेड। एक सीसीटीवी में कैद सुराग, 500 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। ऐसे रची गई थी साजिश। इस एक सीसीटीवी फुटेज ने एमपी पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस वालों के दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया था। मामला ऐसा ही था भोपाल के वीवीआईपी पौश इलाके रचना टावर में, जहां पर सांसद विधायकों के फ्लैट हैं। उस बिल्डिंग में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई, वो भी इस तरीके से कि सब हैरान रह गए। 2 लड़के आए, कर्मचारी का नाम पूछा, उसके बाद पिस्टल के दम पर फरियादी को बंधक बना लिया। पुलिस के लिए एक मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण था। प्रथम दृष्टया चूंकि वहां पर एक सीसीटीवी को छोड़कर बाकी सीसीटीवी बंद थे, इसलिए प्रथम दृष्टया पुलिस को तत्काल कोई सही जानकारी उसमें नहीं मिल पाई। पुलिस के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चुनौती थी। इसमें खासतौर पर जो वहाँ का स्थानीय थाने की उसमें टीम पहुंची, उसमें डीसीपी एडिशनल डीसीपी के साथ साथ उसमें एसीपी दीपक नायक और साथ ही थाने की सारी टीमें वहां पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे, एडिशनल सीपी अधेश और बाद में मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसमें सारी चीज़ों का हम लोगों ने गंभीरता से जायजा किया। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची, उसमें सारे मुद्दों पर लगभग अलग अलग करके 8 टीमें अलग अलग गठित की गई। लुटेरों की पड़ताल में 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें एक सुराग सबसे अहम था और वो था वारदात के वक्त लुटेरों का सवाल कि कैश कहां रखा है, यही सबसे अहम क्लू बना। उस 500 सीसीटीवी का एक एक मिनट का उसमें फुटेज और बाकी गहराई के साथ बाकी जो जानकारियां निकल सकती थी, कई जानकारियां उसमें स्थानीय तौर पर और बाकी जगहों पर मिली, जिन्हें सुरक्षा कारणों से भी शेयर नहीं किया सकता, लेकिन उन जानकारियों के आधार पर पुलिस धीरे धीरे इस निष्कर्ष से पहुंच लेगी इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। इसमें 28 जो कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी, उनसे भी पूछताछ की गई। मतलब साफ था, कोई था जो ये जानता था कि रुपए कहां रखे रहते हैं। लुटेरों का कनेक्शन जुड़ा यूपी से, लूट का मास्टरमाइंड निकला कंपनी में काम करने वाला पूर्व कर्मचारी। अंततः इसमें जो जानकारी निकल करके सामने आई उसके अनुसार आरोपी पूर्व में इसी काम करता था, इसी जो कंपनी है जिसके पैसे उस फ्लैट में रखे गए थे उसी के यहाँ काम करता था, और उसको काफी बारीकी से इन चीजों की जानकारी थी कि कब पैसे लाए जाते हैं और कब पैसे जमा किए जाते हैं। वो पूर्व में लंबे समय तक यहाँ रह चुका था। उस कर्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड भी था, वो पूर्व में
डबल मर्डर के केस में भी बंद था। उसमें एक जो कर्मचारी जिसमें बहुत सारे लोगों से जो पुलिस ने जानकारियां निकाली, उसके आधार पर पुलिस धीरे धीरे उसमें घटना के सूत्रों को जोड़ने लगी। जो डबल मर्डर के केस में जेल में भी रह चुका है, बैतूल जेल में जुर्म का याराना बना, लुटेरों से दोस्ती हुई और फिर लूट का प्लान बना। और अंततः जो कड़िया निकल के सामने आई, कुछ दिनों पूर्व उस एक कर्मचारी ने जिसने कि इस कंपनी को छोड़ दिया था, उसके दिमाग में इस तरह का षड्यंत्र छोड़ने के साथ ही लगातार कायम था। उसने कुछ ऐसे आरोपियों से संपर्क किया जो कि पूर्व में कई इस तरह के अपराधों में रह चुके थे। खासतौर पे एक वो कर्मचारी जिसका नाम मदन सेन है, जब बैतूल जेल में बंद था उस दौरान उसको वहां के कुछ दूसरे अपराधियों से मुलाकात हुई थी जो कि दूसरे लूट की वारदातों में शामिल थे। एक महिला का भी खुलासा हुआ जो आरोपियों की मदद कर रही थी। प्रकरण में लगभग 6 लाख के आसपास की रकम जब्त की गई है। इसमें पिस्टल जब्त की गई है, इसमें 4 राउंड जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इस घटना के पीछे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस लूट के बाद लुटेरे दूसरी वारदात बैतूल में करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका राज खुल गया। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।